करते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल जारी है, आज अनिश्चितकालीन हड़ताल का 12वां दिन है। प्रदर्शन के दौरान अरेस्ट कर जेल भेजे गए 8 संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों को जेल से छोड़ा गया है। स्वास्थ्य सेवाओं पर इसका असर पड़ रहा है। हड़तालियों को नियमित मंत्रालय कर्मचारी का भी समर्थन है। बड़ा रूप लेती नजर आ रही है स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल अभी भी जारी है। हड़तालियों को नियमित मंत्रालय कर्मचारी का भी समर्थन मिल रहा है और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता अनुराग मालवीय एक बार फिर जुड़ रहे हैं। जी अनुराग जी, हड़तालियों की जो संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की जो हड़ताल है वो अभी भी जारी है और ये एक बड़ा रूप लेती नजर आ रही है। और उनके बाद जब गिरफ्तारी हुई तो निश्चित रूप से ये एक बड़े विरोध के तौर पर नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के लिए चिंता का विषय, पर स्वास्थ्य मंत्री के साथ भी चुनाव व्यक्ति हुई थी प्रभुराम चौधरी जब भोपाल जिला अस्पताल पहुंचे थे तो तमाम तरीके से परिस्थितियां बिगड़ रही है, स्वास्थ्य सेवाओं पर बढ़ा रही है। लेकिन स्वास्थ्यकर्मी जो है सभी के स्वास्थ्यकर्मी वो अभी भी अस्पताल पर अटिक है और कहीं ना कहीं अब बैठक पे नहीं आएंगे। तो साफ तौर पर सरकार ने एक सप्ताह का समय दिया था लेकिन वो लगातार तब तक के हड़ताल से रहेंगे जब तक वो काम नहीं। तो बड़ी हड़ताल है, बड़ा असर है और लगातार जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। चलिए रुक कर लेते हैं अगली बड़ी खबर का। मध्य प्रदेश शिखर खेल अलंकरण समारोह आज होने वाला है। खेल के क्षेत्र में नाम रोशन करने वालों का सम्मान होगा। एकलव्य विक्रम विश्वामित्र प्रभास जोशी और लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार वितरण होगा। वर्ष 2020 के खेल प्रतिभाओं का सम्मान होगा। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और सीएम शिवराज सिंह चौहान भी जो है वो सम्मानित करेंगे। रविंद्र भवन में शाम 6 बजे ये कार्यक्रम होगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मध्य प्रदेश शिखर खेल अलंकरण समारोह आज होने वाला है जिसमें खेल के क्षेत्र में नाम रोशन करने वालों को सम्मान किया जाएगा।